अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड फाइव क्वेश्चंस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी मोती गजमुतीनियर, पेज नंबर 95. लुक एट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 95. नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड मोती गज बिकम अ मुतीनियर. ठीक है, तो ये भी हमने लेसन में पढ़ा है कि वनडीसा जो उसको मोतीगंज से दूर रहना था, तो वही रीज़न था एक्चुअली कि उसके जबन ही डिडेंट रिटर्न आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 10 डेज, तो वही रीज़न था कि उसके मुतीनियर बनने का. तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 का. डीसा वॉज टू स्टे अवे फॉर 10 डेज ओनली, but when Disa didn't return on the 11th day, Motigaj refused to obey Chihun's order. He refused to wrench out stumps and hence become mutineer. Disa जो है उसको सिर्फ 10 दिन उसे दो रहना था, लेकिन जब वो 11th day को भी वापस नहीं आए, तो Motigaj ने बिल्कुल इनकार किया, डिनाई किया Chihun's के ऑर्डर्स को ओबे करने का. तो उसने बिल्कुल रिफ्यूज़ किए स्टैम्प्स को निकालने का, और इस यही रीज़न है कि वो मुतीनियर बन गए. देन देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड मोतीगंज रिएक्ट टू डिसास रिटर्न. मोतीगंज ने जो डिसा के आने पे उसकी रिएक्शन क्या थी. व्हेन डिसा रिटर्न्ड, मोतीगंज वॉज वेरी हैप्पी. He fell into Disa's arms. The man and the beast wept and slobbered over each other. When Disa returned, जब वो वापस आके, मोतीगंज was very happy, बहुत खुश थे. और he fell into Disa's arms. The man and the beast wept and slobbered over each other. This is the question, answer of question number 7. Then there is question number 8. Why was Chihun angry with मोतीगंज? How did मोतीगंज react to his remarks? चिहुन जो थे, जिसको क्या करना था, उसका लुक आफ्टर करना था जब डिसा वहाँ से चले गए, तो चिहुन वो क्यों एंग्री थे मोतीगंज से, तो मोतीगंज ने उनके रिमार्क्स पे कैसा रिएक्ट किया. ठीक है, व्हेन द 11th day मॉर्निंग डॉन्ड, डिसा डिडंट रिटर्न, मोतीगंज रिफ्यूज टू वर्क एंड वॉज कन्वर्टेड इंटू अ मुतीनियर. ये भी हमें पता है, व्हेन 11th day मॉर्निंग डॉन डिसा नहीं आए, तो मोतीगंज ने रिफ्यूज़ किया काम करने से, और वो ऑब्वियसली वो क्या बन गए, मुतीनियर बन गए. मोतीगंज केम बैक फॉर फूड इन द इवनिंग, बट चिहुन रिफ्यूज टू गिव हिम एनी फूड. चिहुन ने जो कि उससे इनकार किया कोई फूड देने से. मोतीगंज लिफ्टेड चिहुन चाइल्ड विद हिज ट्रंक, चिहुन गेव हिम लॉट ऑफ फूड एंड ड्रंक टू ईट. चिहुन ने जब उसने उसके बच्चे को अपने ट्रंक पे उठाया, तो चिहुन ने उससे प्रॉमिस किया कि ही वुड गिव हिम लॉट ऑफ फूड एंड ड्रंक टू ईट. उसके बाद उसने ये दिया. तो दीज आर द आंसर्स ऑफ थ्री क्वेश्चंस. उसके बाद हम लैंग्वेज वर्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.